वंस अगेन वेलकम बैक. बिफोर यू हैड टेकन द लीव, मतलब बिफोर द हॉलीडेज, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एंड दैट वॉज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट वॉज द चैप्टर वी वर डूइंग एंड वी वर डूइंग द चैप्टर अलॉन्ग विद NCERT, राइट? एंड एज पर द NCERT हम लोगों ने जो है वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. वेरी फर्स्ट इज कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिलोसफीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी हम किसको बोलते हैं, वेदर इट इज ओनली द लॉ और देर आर सम मॉरल ऑब्लिगेशंस आल्सो बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस इज वेरी वेल नोन कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज नॉट ओनली एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉ, ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. इनमें हर एक पहलू यानी कि ऑल द एरियाज हैव बीन स्टडीड थरोली एंड देन द मॉरल बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोगों का जो पार्टीशन था दैट वाज अ वेरी अगली टर्न फॉर इंडियन पीपल फर्स्ट. सेकेंड थिंग, हमारा जो डिफरेंस है इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड इन द नेम ऑफ कास्ट दैट इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट जो बाकी देशों में नहीं था. तो विद दिस बैकड्रॉप हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था दैट हैड अ फिलोसफिकल अप्रोच, राइट? सो वी स्टार्टेड विद दिस एंड देन हम लोगों ने जो है वी हैव डन दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. देन व्हाट वर द डिफरेंट पॉलिसीज, नेहरू जी का अप्रोच क्या था, देन Why we had to go back to the Constituent Assembly. जब हम किसी भी डिबेट को पढ़ते हैं तो हम बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्यों लेकर चलते. देन वॉट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी, दैट इज लिबरल, डेमोक्रेटिक, एगलिटेरियन, सेक्यूलर, फेडरल, ओपन, सेंसिटिव टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एज वेल एज डिसएडवांस्ड. फिर हम लोगों ने पढ़ा एक-एक करके इंडिविजुअल फ्रीडम हम किसको बोलते हैं. देर इज ऑलवेज वन कंसेप्ट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले से ही आया है और वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस. सो देर मस्ट बी सम लिबर्टी जिसमें हम अपने जो हमारे व्यूज हैं वी आर एबल टू एक्सप्रेस. सोशल जस्टिस, बिकॉज वेन इट कम्स टू जस्टिस सोसाइटी के अंदर वॉट इज इट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल, एंड देन वॉट वर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन लिबरलिज्म हमारे इंडिया का, क्योंकि हर एक जगह पर हमारा कंटेक्स्ट जो है थोड़ा अलग हो जाता है. इट्स नॉट लाइक कि इंडिया ही अलग है. इफ यू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका यू विल फाइंड सर्टन थिंग्स विच वर नॉट देयर, दे हैड टू एड बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप. Then how we have respected the diversity and minority groups, हम लोगों ने उनके ग्रुप्स को कैसे we have tried to, ये हमने पढ़ा. Then how India follows the term secularism, क्योंकि secularism के आपके अलग-अलग मीनिंग है. एक होता है आप मेरी बातों में दखल अंदाजी मत करो, डोंट इंटरफेयर एंड आई विल नॉट बी इंटरफेयरिंग इन टू योर मैटर. बट इन इंडिया वी कैन नॉट एग्जैक्टली, हम लोग जो है म्यूचुअल एक्सक्लूशन को लेकर नहीं चल पाते हैं बिकॉज एट टाइम्स इन मतलब द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस वेज, कई बार करना पड़ता है उन लोगों को. देर आर सर्टन मतलब दे के नॉट कंप्लीटली सेपरेट इट. तो दैट इज हाउ राइट्स ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, उनको क्या राइट मिला है एंड वेर आर द राइट्स वेयर द स्टेट्स कैन इंटरफेयर, दिस हैज बीन डन. तो देन द वेरी वेरी यूनिक फीचर जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारा शायद इवन बिफोर वी हैड एक्चुअली टेकन डेमोक्रेसी एज अवर पॉलिसी, तब से ही हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को लिया था. और इसके पीछे रीजन ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, इफ यू लुक थ्रू द आईज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एट दैट पीरियड
मेनी ऑफ द कंट्रीज डिड नॉट गिव एनी राइट टू द विमेन एंड इवन लेटर ऑन ऑल्सो नॉट ऑल द राइट्स वर गिवन टू विमेन, सो दैट इज वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज एडेड. फेडरलिज्म, इवन दो वी डोंट यूज द वर्ड फेडरल बट हमारे जो डिविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर ऑल फेडरल इन कैरेक्टर. ये वाला जो मतलब कि इफ यू लुक इन टू द लास्ट वन दैट इज वॉट वी वुड बी सेइंग दैट ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट ओरिजिनली एनविसेज दिस. मतलब अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिस इज सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड लेटर ऑन, लेकिन हम सिक्योर हम लोग जो है फेडरल बोलते नहीं है. बट फेडरलिज्म के जितने भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं, और वो कॉम्पोनेंट्स क्या है, वो है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, स्टेट्स बेस्ड ऑन द कल्चर लैंग्वेज, उनका जो क्रिएशन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने किया. इफ वी लुक इन टू द कमीशन, अगर हम लोग लिंग्विस्टिक कमीशन को देखते हैं, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, दैट वॉज एक्चुअली पार्ट ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि उस वक्त में द स्टेट्स वर क्लम्प्ड इन टू डिफरेंट प्रोविंसेस, और उसके वजह से आपके वॉयलेंस या फिर आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट रहते थे. देन दैट वॉज हाउ ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वॉज Recognized, treated as equal. Secondly, हमारे यहाँ पर जो है creation of the language है, यानी कि no language is alienated. किसी भी लैंग्वेज को alienate नहीं किया गया है, सभी languages को जो है equal treatment है. There are 22 languages which are recognized by constitution, 21 besides Hindi. And this is also a part of federal character. And third but not the last is the center to state relationship. Jo hamara center hai union mein, uska relation with all these groups is also defined ki kaise karna hai, where. So this way, hamari jo country hai, it has shown that it is secular in characteristic. Even though this word exactly is not mentioned. Now comes the national identity. There are countries जहां आपकी दो identity, मतलब आपकी वैसे तो multi identity है. See, you are a student, you are a son, you are a brother, you are Dalit, you are a Punjabi, you are a Tamilian, you are Indian. But that's always there. लेकिन हम खुद को एक identity कहां से लेकर आते हैं? In some countries, there are areas जहां आपके citizenship को उन्होंने अलग कर रखा. But still, if you see the identity, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? Do we call? Because हम अब अलग अलग state में रहते हैं. I'm living in Delhi, another one is living in UP, another one is living in Punjab. So do we identify ourselves to the state or to the country? तो constitution ने इस philosophy को लिया था कि wherever you are residing, your identity will be connected to the nation. The constitution constantly reinforces a common national identity. जैसे हमारे यहाँ regional identity तो है, but the common national identity, it is clear what it is mentioned about this common national identity was not incompatible with distinct religious or linguistic identities. ये तो हमेशा होता है और हमारे यहाँ अभी भी होता है. इनफैक्ट देर आर सो मेनी जोक्स, मतलब बड़े सारे जोक्स भी हैं कि अगर आप किसी यूएस या किसी मतलब कि उनसे पूछोगे ना, वो पता क्या बोलेगा, आई एम एन अमेरिकन. और हम जो है ना, हम कभी ऐसा नहीं बोलते. हम बोलते हैं हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम पंजाबी है. तो ये जो हमारे दिमाग में है ना, वी नीड टू ब्रिंक अप, वी आर इंडियन. The Indian Constitution tried to balance these various identities. Yet, preference was given to common identity under certain conditions. मतलब हमेशा ही there has been a debate over separate electorates before the independence.
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग इलेक्टोरेट मांगा था, तो आपके जो मुस्लिम लीग थे उन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स मांगा था. नाउ हाउ सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर हैविंग. हमारा क्या है, हमारा जो एंटायर कंट्री है इट इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हमारा जो है इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो हाउ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरेट्स. इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एनी वन कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन. हाँ, जो हमारे 84 एंड 47 आपके जो रिजर्व है वहां ओनली रिजर्व पर्सन स्टैंड, लेकिन जो वोट डालेगा वो कोई भी हो सकता है. एनी वन कैन बी देयर फॉर द वोटिंग. ओनली 84 एंड 47 जो एरियाज हैं जहां पर उन लोगों की मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, दे आर गिवन दिस रिजर्वेशन की जो सीट है वहां पर एमपी की या एमएलए की, दैट वुड बी रिजर्व टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. लेकिन उसको वोट डालने वाला हर एक कॉमन मैन होता है. वेयर इज इन एन इलेक्टोरेट द पर्सन हु इज इलेक्शन मतलब की जो कंटेस्ट कर रहा है या फिर वहां जो रह रहा है, बोथ विल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी. इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो एक अलग ही देश हो गया. इन अनदर वर्ड, इफ वी आर डिवाइडिंग आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरेट, उसका मतलब तो वो एक अलग कंट्री भी बन जाएगा. सो सेपरेट इलेक्टोरेट वर रिजेक्टेड नॉट बिकॉज दे फोस्टर डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस, बिकॉज दे एंडेंजर्ड अ सिंपल नोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, बिकॉज दे एंडेंजर्ड अ हेल्दी नेशनल लाइफ. क्योंकि उस जगह पे रहेगा भी वही भाई, अगर कोई और रहता तो ही और शी विल नॉट बी अलाउड. तो जो हमारे बाकी प्रिंसिपल्स है लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी, वो कहाँ जाएगा. रादर देन फोर्स्ड यूनिटी आर कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू इवॉल्व ट्रू फ्रेटर्निटी, गोल्ड डियर टू द हार्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर. एज सरदार पटेल पुट, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इवॉल्व वन कम्युनिटी. Instead of having different communities, different electorates, they believe to have constituencies. और इसीलिए हम अपने आप को नेशनल आइडेंटिटी, क्योंकि अब मैं चाहे आई एम फ्रॉम बिहार और आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु और फ्रॉम केरला, आई एम लिविंग इन इंडिया. एंड वेन पीपल फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैंड फॉर द इलेक्शन, आई एम कास्टिंग माई वोट टू दैट पर्सन. इट डजेंट मैटर टू वॉट आई एम बिलोंगिंग, मैं कहाँ बिलोंग कर रही हूँ वो नहीं, मैं किस जगह रह रही हूँ दैट इज ऑल मोर इम्पॉर्टेंट. बट इन द ये आपका सरदार पटेल का है विच केम इन द एग्जाम, बट इन द लॉन्ग रन इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टू फॉरगेट दैट देर इज एनीथिंग लाइक मेजोरिटी और माइनॉरिटी इन द कंट्री. एंड दैट इंडिया देर इज ओनली वन कम्युनिटी. यही उनका जो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर वॉज सेंसस मतलब एक किया था, तो मेनी ऑफ द कम्युनिटीज लाइक सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, एंड देन देर वर नंबर ऑफ स्मॉल मतलब कि आपके जैसे जेनीस, देवर माइनॉरिटीज. अब अगर हम इलेक्टोरेट बनाने लग जाएंगे उसका मतलब तो ये हो गया कि दे ऑल विल बी सेपरेटेड, क्योंकि उनका रूल तो अपने हिसाब से जाएगा. रादर देन डिफरेंशिएटिंग इट वाज वन सिंगल कम्युनिटी. सो नाउ नो मैटर व्हाट एवर आई एम लिविंग इन यूपी और आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन केरला और आई एम एन इंडियन, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं रह रही हूँ दैट इज माई कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो दिस इज हाउ द नेशनल आइडेंटिटी को जो है एक लॉ लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था. बिकॉज इंडिया डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप. इन सम कंट्रीज वी हैव मतलब कि डुअल सिटीजनशिप, उसकी वजह से भी कई प्रॉब्लम्स आती है, बट इंडिया हैज ऑलवेज सॉट फॉर वन सिंगल सिटीजनशिप. नाउ व्हाट वर द
प्रोसीजर्स फॉलोड जिसकी वजह से हमें ये अचीवमेंट्स मिली थी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर. ऑल दीज फाइव कोर फीचर्स माइट बी कॉल्ड सब्सटैंटिव अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब क्या किया गया था. फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अ फेथ इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मतलब जहां पर यू आर पुटिंग योर आइडियाज बिफोर, आगे रखते हो, जहां आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं. We know that many groups and interests were not adequately represented. मतलब Constituent Assembly का अगर हम formation देखते हैं, जहां हमारे 299 members थे, तो it was not a fair. अगर हम ऐसा मतलब अगर हम criticism में देखेंगे, तो it was not fair. But still, it was tried कि from people from every area was there. मतलब it was not like an open election. एक ये ओपन इलेक्शन नहीं था. इट वॉज नॉट एन ओपन इलेक्शन जहां पर एवरीबडी हैड वोटेड, ऐसा नहीं था. लेकिन फिर भी कोशिश की गई थी कि ये जो 299 मेंबर्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द एरियाज. बट द डिबेट्स इन द असेंबली एम्पली शो दैट मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्टेड टू बी इन एज इंक्लूसिव इन देयर अप्रोच एज पॉसिबल. This open-ended approach indicates the willingness of people to modify their existing preference. In short, to justify outcomes by reference, not to self-interest, but to reasons. मतलब जिन लोगों ने हमें represent किया था, उनका self-interest नहीं था, उनका अपना interest नहीं था, उन्होंने किसी भी चीज को अगर आगे रखा था, तो उसके पीछे there were certain evidences and reasons. जो शायद एक कॉमन इंसान को इतने आसानी से समझ नहीं आता है. मतलब मेनी टाइम्स हमारे घर में तो काफी डिबेट्स रहते हैं इन सब चीजों के बारे में. तो आई ऑलवेज टेल एवरीवन की विदाउट नोइंग द रियल कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑलवेज आर्ग्यू, बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर किसी इंसान ने किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट किया था और उसने कुछ रूल्स बनाए थे ना, उसमें हर एक छोटी छोटी चीजों को लिया गया था और उसके रीजंस भी दिए गए थे कि ये क्यों लिया गया. अगर किसी ने सामने से चैलेंज किया उसको, तो उसको जवाब भी दिया गया. और अगर उनको लगा कि चैलेंज इज अनबीटेबल, तो उस टॉपिक को वहां ड्रॉप भी किया गया. इट ऑल्सो शोज अ विलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज अ क्रिएटिव वैल्यू इन डिफरेंस एंड डिसएग्रीमेंट. इसी को बोलते हैं बच्चे. मतलब अब जरूरी नहीं है कि आप सामने से कोई बात बोलो और मैं मान जाऊं. हो सकता है कि मैं ऐसा काउंटर पॉइंट रखूं और आपको भी लगे कि हाँ भाई ये चीज हो नहीं सकती है. तो वहां पर देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट, बट उस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज किया गया और उन पॉइंट्स को ऐड या डिलीट किया गया, जिनको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स भी कहते हैं. देयर वर सो मेनी अमेंडमेंट्स, मोर देन 2000. Second, it reflects a spirit of compromise and accommodation. Now, what is accommodation? मतलब हर एक जो ग्रुप है उनको अकोमोडेट करना. हर जैसे बेल्जियम में, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, अगर नहीं रिमेंबर है तो एक बार देख लेना, पावर शेयरिंग, जिनमें डच, जर्मन, फ्रेंच सब लोग रहते थे. फ्रेंच ज्यादा थे, जर्मनी कम थे, लेकिन सबको बराबरी दिया गया. सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो दिस अकोमोडेशन हैज बीन अडेप्टेड. दीज वर्ड शुड नॉट बी ऑलवेज सीन विद डिसअप्रूवल. एंड नॉर्मली हम कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज यार, हमने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया. मतलब नॉर्मली हम कॉम्प्रोमाइज जो है, दैट वर्ड वी यूज इन अ नेगेटिव नोशन. क्या करूं यार, मैंने कॉम्प्रोमाइज. नो, नॉट ऑल कॉम्प्रोमाइजेस आर बैड. इफ समथिंग ऑफ वैल्यू इज ट्रेडेड ऑफ फॉर मियर सेल्फ इंटरेस्ट, देन वी नेचुरली हैव कॉम्प्रोमाइज इन द बैड सेंस. हाउएवर, इफ वन वैल्यू इज पार्शियली ट्रेडेड फॉर अनदर वैल्यू,
especially in an open process of free deliberation among equals, then the compromise arrived is hardly be objected. What is the meaning of this statement? अब हम चारों जो है मतलब कि वी आर बातें कर रहे हैं, हम लोग किसी मुद्दे पर आर्ग्यू कर रहे हैं, डेलिबरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, एक इंसान ने एक चीज बोली सामने से, ठीक है, बाकी तीनों ने कहा चल यार ठीक है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ इंटरेस्ट। बट अगर उसकी उस बात को हम वेटेज दे रहे हैं क्योंकि उससे सबका फायदा होगा, उससे सबका फायदा होगा, इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स टू ऑल, देन वो कॉम्प्रोमाइज गलत नहीं होता। वी मे लैमेंट दैट वी कुड नॉट हैव एवरीथिंग, बट टू सिक्योर अ बिट ऑफ ऑल थिंग इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी मॉरली ब्लेमबल। Besides a commitment to the idea that decisions on the most important issues must be arrived at consensually rather than majority vote. Now, अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक और है, चलो मैंने एक मुद्दा रखा, reservation should be 17%, मतलब मैंने एक मुद्दा रखा, this is one issue, right? Now we were all arguing on this, right? वोटिंग हुई एंड आई गॉट द वोट्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दुख पहुंचा, जिनको लगा कि दिस इज नॉट फेयर, तो दैट इज मेजॉरिटी वोट का कोई फायदा नहीं। ऑन द अदर हैंड मैंने मुद्दा रखा 17%, बट एक्चुअली इट इज 27%, राइट? मन मार के नहीं, समझ कर, मन मार कर नहीं, समझ कर सबने इस बात को सहमति दी, कंसेंशुअल मतलब एवरी वन गेव देयर कंसेंट, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, एंड ये तो कॉम्प्रोमाइज ही है ना, वेन वी आर गिविंग अवर सीट्स टू समवन इट इज कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इट इज फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ अवर कंट्री। तो दैट इज हाउ वी हैव कम टू द कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, बट कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट बैड, ये कॉम्प्रोमाइज हमारा बैड नहीं था। यू कैन से दैट दिस कॉम्प्रोमाइज हैड टू बी डन, वेदर इट वॉज फेडरलिज्म, वेदर इट वॉज सेक्युलरिज्म, whether it was, you know, many of the people, they had, मतलब उन लोगों ने कहा था that India should be adapting a Hindu, what you say, principle, but it was not done. तो क्या हमने उनको नजरअंदाज किया? No. Looking at the diversity, हमने secularism को जो है adapt किया. Looking at the difference that was there in the gender discrimination, क्योंकि हमारे यहाँ men to women का जो एक gender discrimination है वो आज भी बहुत ज्यादा है, even today it is, मतलब कि more than what we say, हमारे घरों के अंदर, I'm not talking about you and me, but I'm talking in general कि एक women जो है she is not given that equal status what a man should get. Recently, I had one student, she was from my institute only, and she is right now in 12th standard, but her parents wanted a son, kyunki wo do betiyan hain, her parents wanted a son. Now my question is ki aapka bachcha 12th standard mein hai, he or she has to go to the college, aapko bhi, they had a son last week on 10th of November. I really felt very bad. क्यों आज भी हम बेटियों और बेटों में फर्क दिखा मतलब की कर रहे हैं? Why? But ये जो हमारा historical मतलब की जो difference है ना, उसकी वजह से हमने universal adult franchise लिया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो men हैं उनको नजरअंदाज किया. We wanted upliftment of women.
द सेम इज इन केस ऑफ कास्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी से दैट नॉट एवरीवन रिप्रेजेंटेड बट दोज हु रिप्रेजेंटेड दे टुक पेन फॉर ऑल. उन्होंने सबको रिप्रेजेंट किया. दूसरा, जो हमने कहीं जगहों पे कॉम्प्रोमाइज किया है दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज हम अपने लिए करना चाहते थे. द कॉम्प्रोमाइज वॉज फॉर अ लार्ज मास. इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइजेज आर गुड. तो दैट इज वॉट द प्रोसीजरल, मतलब इन सबको करने से हमें क्या अचीवमेंट मिला वो ये था, राइट. बट कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिसीशन कैन नॉट बी विदाउट एनी क्रिटिसिज्म. एंड यू नो इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग दैट मीन्स आपने उस चीज को पढ़ा है, आपने उस चीज को समझने की कोशिश भी की है. नो डाउट देर आर सो मेनी पीपल हु क्रिटिसाइज विदाउट नोइंग द रियालिटी ऑल्सो, बट क्रिटिसिज्म हैज ऑलरेडी बीन देयर फॉर मेनी एरिया. कई लोगों को लगता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन फेयरली मेड एंड देन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज ओवर पीरियड. 1947, 46 में स्टार्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना एंड इट टुक अराउंड 2.5 years एंड स्टिल वी आर फॉलोइंग इट. तो कुछ जगहों पर इट इज पॉजिटिव, कुछ जगहों पर इट इज नेगेटिव. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सब्जेक्टेड टू मेनी क्रिटिसिज्म ऑफ विच थ्री मे बी ब्रीफली मेंशन. फर्स्ट, अनवील्डली. सेकेंड, अनरिप्रेजेंटेटिव. एंड थर्ड, इट इज एलियन टू अवर कंडीशंस. मतलब ये जो तीन है, काइंडली अंडरलाइन दिस, ये तीन हमारे मेन क्रिटिसिज्म है. इसी के अंदर इनफैक्ट सब कुछ कवर हो जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज समवेयर और द अदर अनवील्डली. सेकेंड, इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव. अनवील्डली मतलब वेरी बिग. अनवील्डली का मतलब होता है वेरी बिग, लार्ज, डिफिकल्ट टू कैरी. मतलब इसको जो है कहीं पर भी ले जाना मुश्किल है. यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि इतना बल्की है भाई, 20 हमारे जो वॉल्यूम्स है वो इतने ज्यादा है. देन इट डजेंट रिप्रेजेंट ऑल द एरिया जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और हमारे जो कुछ कंडीशंस है उनसे अलग है क्योंकि हमारे कई आर्टिकल्स वी हैव बोरोड फ्रॉम अदर्स. तो कई लोग कहते हैं कि भाई तुमने तो बोरो किया, खुद क्या बनाया. द क्रिटिसिज्म अनवील्डली इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री मस्ट बी इन वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट. बट दिस इज नॉट ट्रू इवन ऑफ कंट्री सच एज यूएस विच डू नॉट हैव अ कॉम्पैक्ट. The fact is that a country's constitution is to be identified with a compact document and with other written documents with constitutional status. मतलब कई जगहों पे क्या है कि constitution छोटा सा है, compact मतलब small, छोटा मतलब पढ़ने में easy, right? और जो उसे related आपके terms हैं उनको एक अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन हमारा क्या है, सब कुछ साथ में है. Thus, it is possible to find important constitutional statements and practices outside one compact document. That normally ऐसा ही होता है. Constitution एक small सा document and उससे related अलग. लेकिन in the case of India, many such details, practices, statements are included in one single document. जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मोटा है, लार्ज इन साइज, डायबिटिक. मेनी कंट्रीज फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन, सिविल सर्विसेज इन द डॉक्यूमेंट. मतलब ये चीजें उन्होंने अलग कर रखी है. हमारे यहाँ पर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड बट इन इंडिया मेनी सच मैटर्स आर अटेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट. ऐसा क्यों, थिंक करो, क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, बताओ.
ये एक क्रिटिसिज्म है, लेकिन अगर आप इसको इफ यू वांट टू व्हाट यू कॉल एस जस्टिफाई करना चाहते हो तो क्या करो? इसका इसलिए बेटा क्योंकि सिविल सर्विसेज, हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे कई लीडर्स थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज दिए। उस वक्त में जो सिविल सर्विसेज का एक तरीका होता था वो अलग होता था। नाउ सिविल सर्विसेज इज अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन। इलेक्शन कमीशन मान लो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट हुआ, उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर देंगे पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको इनवैलिड कर देंगे, वो कहेंगे नहीं हम दोबारा बना देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है इसलिए वो टच कर सकते हैं उसको। एंड देन व्हाट विल हैपन, इलेक्शंस अपनी मर्जी से जाएंगे, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे वैलिड किया गया। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव। अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने, और मैंने आपको बताया था कि देयर वर 299 मेंबर्स बट दे डिड नॉट रिप्रेजेंट ऑल द स्टेट्स। डू यू रिमेम्बर हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड? एट दैट टाइम एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज नॉट ग्रांटेड एंड मोस्ट मेंबर्स केम फ्रॉम द एडवांस सेक्शन। मतलब उस वक्त में तो जो लोग बनाने वाले थे बलबीर सिंह, आप अगर मतलब कि इफ यू लुक इन टू द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन यू विल सी दे वर नॉट द पीपल फ्रॉम द ग्राउंड, दे वर फ्रॉम द एलिट सोसाइटी। तो उसको जो है अनरिप्रेजेंटेटिव बोला गया है। डज दिस मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिप्रेजेंटेटिव? ये सब कुछ क्वेश्चन है क्लास 11। कभी सोचो कि मैम बोल रही है, क्यों बोल रही है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस यू मे बी आस्क टू गिव जस्टिफिकेशन। आपसे जो है पूछा जा सकता है कि आपकी व्हाट इज योर ओपिनियन एंड यू हैव टू से इट इज नॉट। अब मतलब कि व्हाई इट इज नॉट, रीजन इज इफ वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन रिपीटिंग, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड दो द डॉक्यूमेंट्स वर मेड बाय पीपल हु आर फ्रॉम एलिट, लेकिन ऑन द अदर हैंड, बट ऑन द अदर हैंड इट रिप्रेजेंटेड ऑल द सेक्शंस। तो दैट मीन्स इट वॉज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब आप उसको अनरिप्रेजेंटेटिव कैसे बोलोगे जब उसमें सबको इंक्लूड किया गया? तो अनरिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है किसी एक कम्युनिटी, किसी एक मतलब की पार्ट को छोड़ दिया है। यस, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड ऐसा किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, दे वर इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्शन। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन दे हैव डिबेटेड, व्हेन दे हैव रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, दे हैव बीन डिबेटेड, दे हैव बीन थरोली स्टडीड एंड दे ऑल रिप्रेजेंट ऑल द पीपल। अब अगर भाई मुझे टीचर्स कम्युनिटी बोला, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ भाई मैं टीचर्स कम्युनिटी को, नेचुरल है कि आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। लेकिन अगर मैं सबकी प्रॉब्लम्स को लेकर चल रही हूँ, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग द टीचर्स फ्रॉम नर्सरी ऑल्सो, प्राइमरी ऑल्सो, सेकेंडरी ऑल्सो, यूनिवर्सिटी ऑल्सो, दैट मीन्स मैं मतलब कि कहीं से भी हूँ लेकिन मैंने सबको अपने साथ लिया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनरिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता। थर्ड क्रिटिसिज्म, हियर वी मस्ट डिस्टिंग्विश टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वन दैट माइट बी कॉल्ड वॉइस, आवाज उनकी, एंड अदर इज ओपिनियन। द वॉइस कॉम्पोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। पीपल मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन देयर लैंग्वेज और वॉइस और नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स। मतलब उनको समझ आना चाहिए। इफ वी लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इंडीड अनरिप्रेजेंटेटिव बिकॉज मेंबर्स वर चूजन बाय अ रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज नॉट यूनिवर्सल। हाउ एवर इफ वी एग्जामिन द अदर डायमेंशन वी मे फाइंड इट ऑल टूगेदर लैकिंग इन रिप्रेजेंटेटिवनेस।
क्लेम दैट ऑलमोस्ट एवरी शेड ऑफ ओपिनियन वॉज रिप्रेजेंटेड मे बी अ ट्रिफल एग्जैजरेटेड बट मे हैव समथिंग टू इट. सो इफ वी रीड द डिबेट्स वी फाइंड वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज एंड ओपिनियंस वर मेंशन. Members raise their matter not only based on their individual social but on perceived interest, concerns of various social sections as well. ये जो मैंने अभी आपको टीचर वाला एग्जाम्पल दिया था ना वो यही है कि लोगों की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक छोटी सी छोटी चीज को रिकॉर्ड किया गया, हर चीज को लिखा गया है. तो जो सामने से बोला गया वो भी लिखा गया है. And that tells ki it was not just representation, but opinions did matter. हाँ, सबकी आवाज को नहीं रखा गया था, लेकिन सबके opinions को matter में लिया गया. Is it a coincidence that the central square of every other small town has a statue of Dr. Ambedkar with a copy of Indian Constitution? ये तो हम लोगों ने हर जगह पे देखा होगा. Far from being a mere symbolic tribute to him, this expresses the feeling among Dalits that constitution reflects many of their aspirations. Ye, it can be a question ki bhai B.R. Ambedkar ki jo murti hai wo har chaurahe pe hoti hai aur uske haath mein ek unke haath mein ek constitution hota hai. Why that is there? That is not because he represented the scheduled caste. It is because that told that unke jo aspirations hai, jo wo chahte the, unko pura karne mein Dr. Ambedkar ji ka kaafi bada haath tha. That means it was not of voice but of opinions. A final criticism is the constitution is entirely an alien document, borrowed article by article from the western constitution, sits uneasily with the culture ethos of Indian culture, Indian people. This criticism is often voiced by many. Even in the constituent assembly there were some voices that echo this concern. How far is it true? It is true. Indian constitution is modern and partly western. हमारे जो constitution है, हम लोगों ने पहले chapter में पढ़ा था, Indian constitution is a bag of borrowing. In the very first chapter, there is a very long question on this, अगर आपको याद हो तो. हमने जो है, we have taken the parliamentary system from Britain, the Bill of Rights from US, then we have taken the freedom aapka jo hai liberty from French Revolution, right? That means they are all modern countries, right? So you also have seen that it was never a blind borrowing. Usko aise nahi hai ki chalo bhai inka bhi dalo isme dal do. It was innovative borrowing. Besides, as we shall see, this does not make it entirely alien. First, many Indians have not adopted modern ways of thinking but have made these their own. For them, normally kya problem hai ki hum western ko westernization kiske liye bolte? What is the meaning of westernization for us, for an Indian, for you? Hamare liye westernization ka matlab hai a form of protest against the filth in their own tradition. मतलब अगर कोई बच्चा modern कपड़े पहनेगा तो हम उसको जो है westernization बोलेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में जो बुराइयां है ना वो उसको हम westernization नाम दे देते. For example, years before, you can ask your parents, they will tell. Years before, people, even if they wore t-shirts, main boys ke bare mein baat kar rahi hu, it was considered a sin. Matlab usko paap mana jata tha. Can you imagine? You may be smiling, aapko hansi aayegi. Matlab
शर्ट पहने से मैं खराब हो गई। लुक एट द बैक, मैंने ओल्ड मूवीज, जो हीरो होगा वो हमेशा ही इंडियन या फिर ऐसा होगा जो फुल फ्लेश्ड, और जो दूसरा हीरो होगा, विलन होगा, वो हमेशा सिगरेट फूंकना एंड टी शर्ट पहनेगा। क्यों भाई, अगर मैंने कपड़े पहन के मैं बुरी नहीं बन सकती, मैं साड़ी पहनी हुई बुरी इंसान नहीं हो सकती। बट हम उसको ऐसा लेते हैं। फॉर इंडियंस वेस्टर्नाइजेशन बिकेम अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विद इन देयर ओन। राजा राम रोहन रॉय ने इस मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन को पॉजिटिव फॉर्म में लिया, मतलब विडो री मैरिज एट हिस टाइम। विडो री मैरिज हमारे इंडिया में 2023 में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस चीज को उठाया था। सती के प्रैक्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। दिस वॉज द फिल्थ इन अवर ओन ट्रेडिशन। वेस्टर्नाइजेशन को उन्होंने एक पॉजिटिव टूल में लिया था। हम उसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसे पॉजिटिव टूल में लिया था। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड दिस ट्रेंड एंड इट इज कंटिन्यू टू दिस डे बाय दलित्स। इंडीड इन एज अर्ली इट वॉज नोटिस दलित पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वर नॉट अफ्रेड टू यूज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लीगल सिस्टम एंड ब्रिंग सूट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। तो दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ वॉज इफेक्टिवली अडॉप्टेड बाई पीपल टू एड्रेस क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस इन आर कंट्री। जो आपके फॉरेस्ट लॉज हैं, फॉरेस्ट के जो लॉज हैं उनको यूज करते हैं मेनी ऑफ द इंडिजीनियस ट्राइबल्स अपने एरियाज को बचाने के लिए। दिस इज इवन दो दे आर ट्राइबल्स बट दे यूज। सेकेंड, वेन वेस्टर्न मॉडर्निटी बिगैन टू इंटरैक्ट विथ लोकल कल्चरल सिस्टम्स, समथिंग लाइक हाइब्रिड कल्चर बिगैन। और आज हम शायद हाइब्रिड में ही रहते हैं। आज हमारा हमारा जो कल्चर है वो हाइब्रिड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिवाली जो है, पहले इट वॉज कंसिडर्ड ओनली अ हिंदू त्योहार। आज मुझे नहीं लगता कि हिंदू मतलब कि दिवाली इज सम त्योहार। दिवाली इज अ डे टू बी सेलिब्रेटेड बाय एनी वन। इट्स नॉट टू अ रिलीजन, बट नाउ इट इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। यूके में सेलिब्रेट हुआ, दुबई में सेलिब्रेट हुआ, कनाडा में सेलिब्रेट हुआ, यूएस में सेलिब्रेट हुआ। नाउ वी आर लिविंग इन दैट कल्चर। डेज लाइक मदर्स डे, पहले हमारे लिए तो कोई मदर्स डे नहीं था। ये मदर्स डे, फादर्स डे, ये अब आए हैं। टुडे वी हैव इमर्ज फ्रॉम द कल्चर ऑफ स्वीट्स टू जूसेस। दिवाली में पहले घर में मिठाई बनती थी, बट नाउ लुकिंग एट द हेल्थ कॉन्शियस स्टेट वी आर नॉट यूजिंग दैट। दिस इज हाउ हाइब्रिड कल्चर हैज कम। अगर आप घरों में भी यूज करोगे तो यू विल फाइंड इट पॉसिबली बाय क्रिएटिव अडेप्टेशन फॉर विच अ पैरेलल कैन बी फाउंड नीदर इन वेस्टर्न मॉडर्निटी नॉर इन इंडिजीनियस ट्रेडिशन। दिस क्लस्टर ऑफ न्यूली डेवलप फिनोमिना फॉर्ज आउट ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न एंड इंडिजीनियस ट्रेडिशनल कल्चरल सिस्टम्स हैव द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेट मॉडर्निटी। इसके पीछे और भी वजह बेटा, इसके पीछे वजह ये भी है कि आज हम अपने देश में नहीं रह रहे हैं। आज हमारे परिवार के दो जने कहीं और रहते हैं, हम आते जाते हैं, तो वी डेवलप। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एलियन क्यों बोल रहे हैं? हम ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना है? आज हम भी तो दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटी डिफरेंट मॉडर्निटीज इमर्ज एज नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज ट्राई टू ब्रेक लूज नॉट ओनली फ्रॉम देयर पास्ट प्रैक्टिसेस, ऑल्सो फ्रॉम द शैकल्स ऑफ पर्टिकुलर वर्जन ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी इम्पोज ऑन देम। पहले दिस वॉज अ वेरी यू डोंट आई मे नॉट बी एबल टू गिव यू दैट एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि
आपने टी शर्ट पहना है तो आप गलत हो। अब टी शर्ट में क्या गलती है मुझे तो आज तक नहीं समझ आया, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि टी शर्ट में क्या गलती है भाई। ऐसी क्या चीज है जो शर्ट में है और टी शर्ट में नहीं है? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1940, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ 1940 और 45। हमारे ऊपर एक पर्टिकुलर वर्जन था कि मॉडर्निटी मतलब यू आर रॉन्ग बिकॉज यू आर वियरिंग दिस, ये एक हमारे ऊपर इम्पोज था। सो दस व्हेन वी वर ड्राफ्टिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन एफर्ट्स वर मैट मेड टू एमैल्गमेट वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। इट वॉज अ सेलेक्टिव एडाप्टेशन नॉट बोरोइंग। मतलब अगर हम उसको ध्यान से समझते हैं बच्चे, ये जो जितने भी नीचे आ रहे हैं ना बच्चा, ये सब आपको जस्टिफाई करने में आएगा। यस वी कैन नॉट से यस हमने पूरा का पूरा पार्लियामेंट ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं अडाप्ट किया, हमने पूरा का पूरा यूएस का क्यों नहीं अडाप्ट किया, रशिया का क्यों नहीं अडाप्ट किया। हमने सिर्फ उतना लिया जो हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल हमने रशिया से लिया सोशलिज्म, मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर पुअर एंड रिच, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर पुअर एंड रिच। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज विद द प्राइवेट सेक्टर, सम ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विद पब्लिक, ये हमने क्यों लिया था? हमने यूएस का कैपिटलिज्म क्यों नहीं लिया? रीजन वॉज वी न्यू दैट जो कैपिटलिज्म वाला है वो इंडिया में इट वुड नॉट बी मतलब की फिट। सोशलिज्म जो है उस वक्त इट वॉज वेरी नेसेसरी, हमने अभी कैपिटलिज्म इंडस्ट्री जो है अब जाकर हम लोगों ने किया। तो दिस मीन्स इट वॉज नॉट अ बोरोइंग बट इट वॉज अ सेलेक्टिव अडेप्टेशन। हमें जहां जहां लगा ये चीज लेनी है, पार्लियामेंट हमने क्यों लिया था, हमने कांग्रेस क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल नहीं चाहते थे, हम वन मैन रूल नहीं चाहते थे, हम रिप्रेजेंटेटिव रूल चाहते थे, तो हमने ब्रिटिश का लिया। हम चाहते थे कि कुछ राइट्स हम अपने सिटीजन्स को दें, तो हमने बिल ऑफ राइट्स लिए थे। नॉट ऑल द राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर आवर फिट फॉर आवर सोसाइटी। सो दिस मीन्स वी हैव नॉट बोरोड, वी हैव नॉट जस्ट कॉपीड एंड पेस्ट, वी हैव अडेप्टेड इट अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन। तो हम उसको एलियनेट नहीं, एलियन का मतलब यहाँ पर है कि हमारे कल्चर को वो मतलब कि सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। हर चीज में हमारे कल्चर हमारी मॉरालिटी को देखा गया था। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस भाई? ऑल दिस इज नॉट टू से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस, ऐसा तो हो नहीं सकता। गिवन द सोशल कंडीशंस विद इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इट वॉज ओनली नेचुरल दैट देयर मे बी सम कॉन्ट्रोवर्शियल, देयर मे बी मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स, दैट देयर वुड बी मेनी एरियाज दैट नीडेड रिविजन, दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 उस वक्त में दिया गया था, अब हमने उसको हटा दिया। देयर वर समथिंग विच वर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बाद में अडाप्ट किया गया था हमने, व्हाई इट वॉज देयर? देर आर मेनी फीचर्स दैट हैव इमर्ज मेनली ड्यू टू द एक्सीजेंसीज। एक्सीजेंसीज मतलब टाइम के साथ वो चले गए, एग्जिट हो गए। नॉनेलेस वी मस्ट एडमिट देर आर मेनी लिमिटेशंस। फर्स्ट
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी. सेकेंड, इट अपियर्स टू हैव ग्लॉस्ड ओवर सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक जेंडर जस्टिस, पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली. मतलब उनका कहने का मतलब है, हम नेशनल आइडेंटिटी को हमने जो है सेंट्रलाइज किया है, बाकी आइडेंटिटीज पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं किया. उनका कहना है कि जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं उनको हमने कई जगहों पर वी हैव इग्नोर्ड. इट शुड नॉट बी ओनली नेशनल, बट जो हमारे रीजनल आइडेंटिटीज हैं उनको भी हमने वी हैव टू टेक मोर कॉशन. सेकेंडली, इट अपियर्स टू हैव ग्लॉस्ड ओवर सम, मतलब उनका कहना है कि अगर हम मॉरल इश्यूज देखते हैं, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जेंडर, कास्ट, इन्हीं पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है, बिकॉज शायद ये पर्टिकुलरली फैमिली में सबसे ज्यादा है. एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया, इस चीज को हम ज्यादा मतलब कि उठाते हैं, बाकियों को हम नहीं उठाते हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स. तो उनका कहना है कि ओनली दोज इश्यूज हैव बीन टेकन, देर आर सो मेनी इश्यूज विच शुड हैव बीन टेकन. हमने अनटचेबिलिटी को देखा, हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा, बट हमने बहुत सारे अदर चीजों को नहीं देखा. थर्ड, इट इज नॉट क्लियर व्हाई इन अ पुअर डेवलपिंग कंट्री सर्टन बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स वर रिलीगेटेड टू द सेक्शन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसका मैं आंसर आपको दे सकती हूँ, जो थर्ड है. थर्ड कहना है कि मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ फीचर्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सबको मिलते हैं, बट कुछ राइट्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं, जो कि स्टेट तभी यूज करता है जब उसे लगता है कि इट हैज टू बी यूज फॉर द वेलफेयर. इट इज नॉट मैंडेटरी. तो उनका कहना है कि दिस इज अ क्रिटिसिज्म, ये एक ड्रॉबैक है. हमें कुछ सोशियो इकोनॉमिक राइट को सबको मैंडेटरी देना चाहिए रादर देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. वो इसीलिए क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड पुअर, और ऐसे कंट्री में जो बैकवर्ड है, जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो पुअर है, उनको कुछ ऐसे राइट्स देने चाहिए, जबरदस्ती देने चाहिए. अभी क्या है, राइट टू इक्वालिटी. दैट मीन्स एनी वन कैन फॉलो एनी, मतलब आपको जो करियर लेना आप लो, आपको जहां रहना आप लोग को फ्रीडम है आपके पास. लेकिन वो कहते हैं कि उसमें दे शुड हैव एडेड सर्टन थिंग्स सो दैट जो पुअर है दे डोंट रिमेन पुअर, दे बिकम रिच. 1947 से 2023 के बीच में मेनी ऑफ द पुअर हैव कम टू द मिडिल लाइन, बट मिडिल से रिच में लोग नहीं आए. तो ये जो डिफरेंस है रिच एंड पुअर के बीच में, उसको फंडामेंटल राइट्स के थ्रू रिमूव करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं. इट इज पॉसिबल टू गिव आंसर्स टू दी, लेकिन ये सब चीजें बच्चे तभी हो सकता है जब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह इन इश्यूज के ऊपर बात करें. मियरली प्रोवाइडिंग फ्रीबीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट विल नॉट यू नो आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को हमें ओवरकम करने के लिए हमें काफी डिबेट्स की जरूरत है. उन हर एक आर्टिकल को दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि उन फिलोसफीज को आपको नए फिलोसफीज के साथ जोड़ना है. वी आर आर्ग्यूइंग दैट दीज लिमिटेशंस आर नॉट सीरियस इनफ टू जियोपार्डाइज द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, ये लिमिटेशंस हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारी जो फिलोसफी थी दैट वाज ओनली लीगल. इट वाज नो डाउट लीगल विथ मॉरल ऑब्लिगेशंस. दस इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा. इट इज दीज फोर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स द स्टेचर ऑफ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग मतलब व्हाट इज लिविंग, सम चेंजेस आर देयर. हम ग्रो करते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं,
उसी तरीके से हम नई चीजों को अडैप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो लाइक दैट. लीगल प्रोविजंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स डिपेंड अपॉन नीड्स ऑफ सोसाइटी. हम किसी भी लीगल प्रोविजन को किसी पर थोप नहीं सकते. इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सप्रेशन टू दिस फिलॉसफी. द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, जैसे हमने फेडरलिज्म पढ़ा, हमने मतलब कि अकोमोडेशन पढ़ा, हमने जो व्हाट यू कॉल एज थ्री ऑर्गन्स हमने पढ़े जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, दैट आर बेस्ड ऑन अ कॉमनली अग्रीड विजन. दैट विजन हैज इमर्ज्ड हिस्टोरिकली थ्रू आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द प्लेटफॉर्म ऑन विच दिस विजन वॉज स्टेटेड, रिफाइंड एंड आर्टिकुलेटेड इन अ लीगल इंस्टीट्यूशनल फॉर्म. Thus, constitution becomes the embodiment of this vision. जो जो उन लोगों ने उस वक्त में सोचा, उन्होंने जो फेस किया. Many people have said the best summary of the vision or the philosophy is to be found in the preamble. हमारे उसके जो preamble है, इसको बहुत importance दिया जाता है, since it starts with the word we. It doesn't say people. It doesn't differentiate between the ruler and the people. It starts with we, yani ki ruler is also part of that we. Have you carefully read the preamble? Apart from various objectives, the preamble makes a very humble claim. The constitution is not given by a body of great. It is prepared and adopted by we. Thus, the people are themselves the makers of their destiny. Democracy is the instrument they have used for present and future. That is where हमारे constitution का एक सबसे अच्छा feature है. More than 5 decades, now it is more than. The constitution was drafted. We have fought over many matters. We have gone to the court. Governments have disagreed. The center states have differences of opinion. Political parties have fought bitterly. As you will study next year, our politics has been full of problems and shortcomings. And yet, if you ask a politician or the common citizen, you will find everyone continues to share in that famous vision embodied in the constitution. We want to live together. कोई भी political party ये नहीं बोलता कि मुझे ये अलग कर दो. Want to live together, want to prosper together, equality, liberty, fraternity, that is the philosophy. In 1950, making of this constitution was a great achievement. Today, keeping alive the philosophical vision may be our important achievement. उस वक्त में बनाना बहुत बड़ी बात, आज बनाना बहुत easy है. आज तो आप लोग AI को बोलो वो भी बनाते देखेगा, लेकिन अब उन विजन को फॉलो करना, उनको अपने डे टू डे लाइफ में लेकर आना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर उन चीजों को एम्बॉडीमेंट करना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ यू आर प्रिपेयरिंग समवेयर इन द फ्यूचर, इफ यू वॉन्ट टू गो something related to these all the articles, everything mentioned in this chapter would help you out. With this chapter, the end, this chapter is complete along with NCERT also now.